students, good morning to all of you. I am Shelly, your maths teacher. And students, today our topic is divisibility. Okay, so last lecture के अंदर हमने divisibility test किया था. उसके अंदर हमने 2, 10 और 5 के बारे में discuss किया था. मैं एक बार लिखती नहीं जा रही हूँ यहाँ पर. Yes. So, divisible by 10. Yes. Divisible by 10 के अंदर क्या रहा होता है कि ones place पे क्या होना चाहिए? At वंस प्लेस क्या आ जाना चाहिए? जीरो. यस. और क्या कंसेप्ट थे इसके? लाइक जैसे कोई नंबर मैंने एग्जांपल दिया आपको 510, राइट? 680, 600, 700. तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा वंस प्लेस पे क्या है? जीरो. तो ये नंबर क्या हो सकते हैं? डिवाइड हो सकते हैं. किससे? 10 से. अगर मान लो यहाँ पे 15270, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? यस, डिविजिबल बाय 10. हमने मेन कंडीशन क्या हमारी कि वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? जीरो. और वंस पे देखो जीरो है. यस, तुम्हारा आंसर क्या आएगा? करेक्ट. ये नंबर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 10 से. तो हम यहाँ पे इसके ऊपर टिक लगा देंगे. ओके, नेक्स्ट. डिविजिबल बाय 5. यस, 5 से जो डिविजिबल होते हैं, तो एट वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए बच्चों? 5 और 0. या तो 5 हो या फिर 0 हो. यस, जैसे ऊपर वाले सारे एग्जांपल में क्या है? 0 0 0 0 0. तो ऑल अबव एग्जांपल वो भी क्या है? 5 से डिवाइड होते हैं. एंड इसके अलावा अगर मान लो ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर क्या बच्चों, वंस प्लेस पर क्या है? 5. तो ये भी नंबर क्या होंगे? 5 से डिवाइड. ओके, और वैसे भी आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया. तो आप वहाँ से क्लियर कर लो डिविजर बाय 10 और यहाँ पर 5. यहाँ पर तो मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कैसे हो सकता है. नेक्स्ट, डिविजिबल बाय 2. वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0 or any even number. यस, तो आप क्या करो, वंस प्लेस पे या तो 0 देखो या फिर इवन नंबर देखो. जैसे 5 2 2, वंस प्लेस पे क्या है? इवन. 600, अब क्या है यहाँ पे? 0. तो ये भी क्या होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वंस पे क्या है? 0. और या फिर क्या आना चाहिए? इवन. लेकिन अगर मान लो 7 1 आ गया, अब वंस प्लेस पे क्या है? 1. दिस इज नॉट एन इवन नंबर. यस, तो ये क्या होगा? 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. क्लियर? अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की. यस, नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 3. यस, डिविजिबल बाय 3. अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसका मैं नॉर्मली एग्जांपल बता देती हूँ लाइन से. तो क्या ही करें, मान लो आपके पास नंबर है 576. ओके, ये एक पूरा कंप्लीट नंबर है. इसका नंबर का नेम क्या है? 576. ओके, क्या नंबर है ये? 576. यस, इस नंबर में बच्चों कितने डिजिट है जल्दी से बताओ? 1 2 3. यस, तो यहां पर कितने डिजिट है? 3 डिजिट, राइट? उनका हम क्या करेंगे? सम करेंगे, यानी 5 प्लस 7 प्लस 6. यस, इस टाइप से हम सम करेंगे. अब सम क्या आएगा? 12 12 प्लस 6 18. अब चेक करो, 18 3 के टेबल पे आती है, राइट करके देखो. 3 1 से 3 1 से 3 3 2 से 6
ये लो, मैंने थ्री का टेबल राइट कर दिया, आप लिख के बताओ, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, थ्री सिक्स ज़ा एटीन, थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन, थ्री एट ज़ा ट्वेंटी फोर, थ्री नाइन ज़ा ट्वेंटी सेवन, थ्री टेन ज़ा थर्टी। यस, तो ये क्या आ गया मेरे पास, टेबल ऑफ थ्री, राइट। अब देखो 18 आ रहा है यहाँ, यस। अगर इनका सम भी थ्री के टेबल पे आता है तो ये कंप्लीट नंबर भी थ्री से डिवाइड होगा, ओके। आप करके देख लो, अब इतना तो मैंने बोला, यस ये डिवाइड होगा, चेकआउट भी कर लो, थ्री वन ज़ा थ्री, माइनस टू सेवन, थ्री नाइन ज़ा ट्वेंटी सेवन, माइनस ज़ीरो सिक्स, थ्री टू ज़ा सिक्स, क्रॉस, दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे क्या होगा कि यस 576 को हम डिवाइड कर सकते हैं थ्री से, आंसर क्या आएगा 192, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, डिविजिबिलिटी टेस्ट, यस डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया। एक मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, उससे और चेक करना, जस्ट हमने क्या करा है, डिजिट को ऐड किया, यस। इसको चेक करो, आपके पास एक नंबर है 678, जल्दी से चेक करो, वन मिनट है आपके पास, यस डू फास्ट। नाइन के टेबल पे 18 नजर आ रहा है,
यस ये 19 इट मींस वो नंबर 9 से डिवाइड होगा. यस yes. करके भी देख लेते हैं. यस 37 है तो यहाँ पे 4 पे जाएगा. 1 2 3 4 9 4 36 माइनस करो नीचे क्या आएगा 1 7 माइनस 6 करेंगे 1 3 माइनस 3 करेंगे 0 और 8 को नीचे ले जाओ. सो 9 2 18 ये देखो माइनस किया 0. दिस इज योर आंसर. जो नंबर है वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया किससे 9 से. ओके सो स्टूडेंट ये आज के हमारे डिविजिबिलिटी टेस्ट थे जिसमें हमने 3 और 9 के बारे में सीखा. ये सेम थे अच्छे थे इंटरेस्टिंग थे. इसी तरीके से आपने नेक्स्ट सम करना है. ओके सो आपके लिए थोड़ा थोड़ा वर्क ही है इसको करते रहो और अब तो एग्जाम भी आने वाला है तो अच्छे से क्वेश्चन करना. क्लियर. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. ए